सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब हम पढ़ते थे एक तराना गूंजता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। राजनीति भी यही कहती है, आप कैंडिडेट देखिए, पार्टी देखिए और पार्टी की नीतियां देखिए। कम शब्दों में आप समझिए, ना तो हम जो जाति की पंचायतें करते हैं उनकी खिलाफत करते, उनकी खिलाफत भी नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र हर जाति को अपना अधिकार देता है। राष्ट्रीय लोकदल की नीति, चौधरी जयंत सिंह जी की नीति, आप कुछ भी कहे जाए, भाईचारे की नीति है। इन्होंने भाईचारे को बढ़ाया है, इन्होंने कभी जाति का पक्ष नहीं लिया, इन्होंने कभी संप्रदायवाद में नहीं बहके। और उपचुनाव का वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल खिलाड़ी है, खिलाड़ी। और हमने तो चंदन से भी कह दिया था, चंदन आया था जावली, हमने कह दिया था चंदन समाज को ना भूलना, और चंदन ने हमसे वादा किया था भैया कुछ हो जाए मैं समाज को नहीं भूलूंगा। आज ग्राम जड़वड़ में इस आयोजित चुनावी मीटिंग के अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कृष्ण पाल जी, चौधरी जैन सिंह जी व भारत सरकार में मंत्री चौधरी कृष्ण पाल सिंह जी, हमारे साथी रहे संजय जी के छोटे बेटे चंदन चौहान जी, जो आपके स्थानीय सांसद भी हैं, और सम्मानित मंच पर बैठे मेरे सभी आदरणीय साथी विधायकगण, यहाँ के प्रभारी प्रसन्न मलिक जी, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। साथियों, चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे। जब हम पढ़ते थे एक तराना गूंजता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और राजनीति भी यही कहती है, आप कैंडिडेट देखिए, पार्टी देखिए और पार्टी की नीतियां देखिए। कैंडिडेट हमारी मिथिलेश पाल जी हैं, हमारे साथ पहले भी विधायक रही थी, तब भी हम चौधरी अजीत सिंह जी के साथ थे, और आज कैसा सौभाग्य है, आज फिर विधायक की होड़ में रहे, आज हम चौधरी जैन सिंह जी के साथ हैं। बस मेरा तो आपसे यही कहना है, कम शब्दों में आप समझिए, ना तो हम जो जाति की पंचायतें करते हैं उनकी खिलाफत करते, उनकी खिलाफत भी नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र हर जाति को अपना अधिकार देता है। लेकिन वोट डालते वक्त दाएं बाएं मत देखिए, पहले कैंडिडेट देखिए, फिर पार्टी देखिए और फिर पार्टी की नीति देखिए। राष्ट्रीय लोकदल की नीति, चौधरी जयंत सिंह जी की नीति, आप कुछ भी कहे जाए, भाईचारे की नीति है। इन्होंने भाईचारे को बढ़ाया है, इन्होंने कभी जाति का पक्ष नहीं लिया, इन्होंने कभी संप्रदायवाद में नहीं बहके। और हर जाति चाहती है टिकट, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन टिकट तो एक ही जाति का होगा। आप अपना दावा मजबूत करिए, लेकिन जहां दावा मजबूत करते हैं उसके बाद आप पार्टी के साथ रहिए।
यही पार्टी कहती है और यही पार्टी के लोग कहते हैं। बस मैं तो आपसे केवल यही अपील करता हूं, बाकी ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं, पर इतना मुझे दिख रहा है मिथिलेश जी पहले भी उपचुनाव में आप जीती थी और फिर उपचुनाव में जीतेगी, और उपचुनाव का वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल खिलाड़ी है, खिलाड़ी निश्चित रूप से। अरे हम तो एक कहना चाहते हैं सभी समाज के लोगों से, विशेषकर अपने समाज के लोगों से, जब आप सरकार के खिलाफ जीत दे सकते हो, आज तो सरकार में हो, रिकॉर्ड तोड़ दो। अपनी बात कहिए, फिर भी कहिए, आगे भी कहिए। और हमने तो चंदन से भी कह दिया था, चंदन आया था जावली, हमने कह दिया था चंदन समाज को ना भूलना, और चंदन ने हमसे वादा किया था भैया कुछ हो जाए मैं समाज को नहीं भूलूंगा। मैं आपसे भी कहता हूं और फिर हम साथ हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होएगा तो हम ठीक कर लेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और हम पुनः अब मिथिलेश पाल जी को बधाई दे दूं, पक्का ठीक है जी। बस आपसे यही कहना है, और हमारा निशान वही पुराना निशान है जिसकी आपको काफी आदत पड़ गई है, हैंडपंप, हैंडपंप है, हैंडपंप के निशान पर आप वोट लगाकर मिथिलेश जी को जिताएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे बीच में हमारे लोग।